आज पूरा विश्व कोविड-19 के खिलाफ जंग में जुटा है। इस खौफनाक बीमारी से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वैक्सीनेशन। दिन रात वैज्ञानिक संगठन बहुत भारी मात्रा में टीके बना रहे हैं। भारत सरकार निरंतर हर एक देशवासी को टीका उपलब्ध करवाने में लगी हुई है। विशाल आबादी वाले इस राष्ट्र में हर एक कोने तक टीका पहुंचाना आसान कार्य नहीं है। टीके शरीर की संरोधक प्रणाली को संक्रामक रोगों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। ये टीका एक सुरक्षा कवच है जो हमें इस भयानक रोग से बचाएगा या इसे गंभीर रूप लेने से रोकेगा। टीकों को जनता तक पहुंचाने से पहले ये निरंतर जांच किए जाते हैं, जिनसे ये निश्चित होता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत में उपलब्ध हर एक टीका पूरी तरह से जांचा परखा गया है और किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आज हम ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये टीका ही आपको और आपके परिवार को इस भयावह बीमारी से बचा सकता है। टीके को लेकर हम आपके संशय दूर करना चाहते हैं। पहला, क्या ये टीका असुरक्षित है क्योंकि इसे जल्दी में बनाया गया है? इसमें हर जरूरी सुरक्षा जांच किए गए हैं और ये पोलियो हेपेटाइटिस बी की तरह पूर्णतः सुरक्षित है। दो, क्या इस टीके से औरतों को गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है? ये किसी भी तरह से औरत के गर्भ को कोई असर नहीं करता। तीन, क्या टीके को लगाने के बाद शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं? क्लिनिकल जांच में ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए। यदि इसको लेने के बाद किसी को कोविड होता भी है तो उसकी तीव्रता और प्रभाव न्यूनतम होंगे। हर उम्र के इंसान के लिए टीका जरूरी है क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। आइए हम इन भ्रमों को त्याग कर टीका लगवाएं और आसपास सभी को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। आइए हम सभी देशवासी मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें।